नमस्कार जी, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके इस विषय पे वीडियो बनाने के लिए कहा है। आपने, मैंने, सभी ने हमारे बुज़ुर्गों से ये सुना है कि खेती बिना गोबर की खाद के नहीं हो सकती, बिना पशुओं के नहीं हो सकती। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गोबर की खाद हम डाल रहे हैं, क्या वो वास्तव में गोबर की खाद है या नहीं, और क्या वास्तव में गोबर की खाद होती है, कैसे बनती है, कैसे उसको खेत में डालना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। गोबर की खाद डालने से मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है, इसकी भौतिक, रासायनिक, जैविक दशा में सुधार होता है, चिलेशन की प्रॉपर्टी आती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ती है, बहुत सारे फायदे हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन जो गोबर की खाद हम डाल रहे हैं, क्या वास्तव में उससे ये सब फायदे हो भी रहे हैं कि नहीं। इवन कुछ लोग जो प्राकृतिक खेती में विश्वास रखते हैं या जो उसकी राह पर बढ़ रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, वो कई बार तो ये गोबर की खाद को डालना ही गलत बताते हैं। उसके पीछे भी जो लॉजिक है वो मैं बताऊँगा आपको। डालना गलत है, उस चीज़ को तो मैं कम्प्लीटली उन लोगों को एग्री नहीं कर रहा मैं। खैर, एनीवे, अभी जो वर्तमान में हमारा गोबर की खाद डालने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास जो भी पशु होते हैं, वो जिस बाड़े में बनते हैं वो कच्चा बाड़ा होता है, उसका जो गोबर आता है उसको हम उठा के पटक देते हैं, जो उसके उपले उपले थाप लेते हैं, ज़्यादातर हम जलाने के लिए काम में ले लेते हैं, और जो बचता है उसको हम खेत के अंदर डाल देते हैं। कब डालते हैं? जब हमारी सुविधा होती है तब डाल देते हैं। ये एक इन जनरल तरीका है और इसको हम गोबर की खाद कहते हैं। ये गोबर की खाद नहीं है, और जो लोग इसको कहते हैं ये डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो उन काफ़ी हद तक सही भी हैं, क्योंकि ऐसी गोबर की खाद डालने से हमारी ज़मीन की भौतिक दशा तो ठीक हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमें ठीक करने का उद्देश्य से जो हमने डाली है, वो शायद उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वास्तव में गोबर की खाद होती क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। वास्तव में गोबर की खाद जो हम ये डाल रहे हैं वो नहीं है। भाषा गोबर की खाद का मतलब होता है कि हमारे पशुओं का गोबर और उनका यूरिन यानी मूत्र, और जो कुछ एरिया में प्रचलन में अभी भी है कि जो पशुओं के नीचे हम बिछावन, ऐसा कोई कार्बनिक पदार्थ या भूसा वगैरह एज ए बिछावन डालते हैं, वो जब आपका गोबर, यूरिन और ये उसका नीचे का लीटर जिसमें उस वो पेशाब करेगा और वो पेशाब उसमें अब्जोर हो जाएगा, इन तीनों के मिश्रण को यदि हम सही तरीके से स्टोर करके उसको बना के खेत में डालते हैं, तब वो गोबर की खाद है। इसको बनाने का बहुत मैं पेचीदा तरीका नहीं बता रहा हूँ, इसका सिंपल एक तरीका है। यदि आपके पशु हैं तो एक तो भाई सब पॉसिबल हो सको, मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आप सुधार कर सकते हो उतना कर लें। इसमें तरीका इसको ठीक ठाक बनाने का, बहुत बेहतर बनाने की अपन बात करेंगे, ठीक ठाक बनाने का तरीका ये है कि इसके लिए हमारे पास एक ट्रेंच होनी चाहिए, खाई होनी चाहिए जो लगभग 5-6 मीटर हमारी लंबाई की हो और लगभग 1.5-2 मीटर चौड़ाई उसकी हो और गहराई लगभग 1 मीटर गहरी हो। इस ट्रेंच में हमारे पशुओं का गोबर और उसकी बिछावन जिसमें मूत्र अब्जोर होकर आएगा, ये सब हमें इस ट्रेंच में एक साइड से हमें भरते हुए आना चाहिए, और ये जब कंप्लीट भर जाए तो उस और कंप्लीट कैसे, यानी कि ये ज़मीन से आपके लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचाई तक जब भर जाए और उसको हम ऐसे थोड़ी गोलाकार डोम से पाकृति दे दें, और उसके बाद में गोबर और मिट्टी से उसको थोड़ा ऊपर से मतलब प्लास्टरिंग कर दें, उसको लीप दें और इसको हम छोड़ दें। यदि हमारे पास 3-4 पशु हैं तो हमारे पास ऐसी 2 ट्रेंच होनी चाहिए, ताकि एक ट्रेंच भर जाए तो दूसरे में हम स्टार्ट कर सकें, और एक साइड से भरना है ताकि उस गोबर की मॉइस्चर नहीं उड़े। और यदि वो आपके बिछावन वाली पशुओं के व्यवस्था नहीं है तो कोशिश करें कि वो पेशाब है वो उसका उसके अंदर मतलब आप स्टोर करके उसके अंदर डाल सको, क्योंकि आपकी जो अच्छी FYM बनेगी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सिर्फ 0.5% ही होता है, जबकि आपका जो यूरिन होता है पशु का उसमें 1% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस बहुत कम होता है, पोटास उसमें 1.35% होता है। FYM में ये NPK जो 0.5, 0.2, 0.5% आता है, इस ये
तब उस कंडीशन में आता है जब हम यूरिन पशुओं का उसके अंदर ऐड करते हैं। हमारी वाली ट्रेडिशनल में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। ये कंपोस्ट आपके लगभग 5-6 महीने के अंदर बनेगी, सामान्य ये प्रोसीजर है। ये जो खाई आप बनाते हो, ट्रेंच आप बना रहे हो, इसको थोड़ा सेप थोड़ा ऐसे स्लोप दें ताकि कोशिश करें कि ये ट्रैक्टर वेक्टर से आपके भरी जाए। ये एक सबसे सिंपल आपका FYM बनाने का एक तरीका हो गया। साहब हम खेत में कब डालें? भाई साहब आप जो को FYM अपने खेत बुआई के 3-4 सप्ताह पहले डालना चाहिए, डाल के उसको सॉइल के अंदर मिक्स करके छोड़ दें। जिस तरीके से ट्रेडिशनल हमारे घर पे भी किया गया, बहुत ज़्यादातर लोग हम वैसे ही करते हैं। इवन मैं जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ वहाँ तो ये है कि ये जो गोबर की खाद है इसको गर्मियों के अंदर डाल देते हैं, छोटी छोटी डेरियाँ बना देते हैं, वो पड़ी रहती हैं, बारिश के पहले से उसको बिखेर देते हैं। मतलब उसके पहले ही उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं और फिर उसके धूप में बारिश में वैसे ही लॉस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन वाला कंटेंट है वो तो आपका वैसे ही या तो वोल्टाइलाइजेशन हो जाएगा, गर्मी है तो वोल्टाइलाइजेशन हो जाएगा, और बारिशें होती हैं तो वो लीचिंग से वैसे ख़त्म हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस सामान्य FYM को सुपर FYM बना सकते हैं, उनकी जो भी टेक्निक है उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।